दोस्तों आईपीएल 2021 का सीजन पोस्टपोन होने के बाद बीसीसीआई ने सभी ओवरसीज खिलाड़ियों को इजाजत दे दी है अपने देश में जाने के लिए, लेकिन अब बीसीसीआई ने ओवरसीज प्लेयर और इंडियन प्लेयर्स को लेकर काफी बड़ा अपडेट दिया है। बाकी बचे हुए मैच में इंडियन प्लेयर्स और ओवरसीज प्लेयर में से दोनों खेलेंगे या फिर अब इंडियन प्लेयर्स की रहने वाले आईपीएल 2021 के सीजन में और ओवरसीज प्लेयर बाकी मैचों में नहीं खेलने वाले, तो क्या है खबर मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आईपीएल 2021 का सीजन पोस्टपोन होने के बाद बीसीसीआई ने सभी ओवरसीज प्लेयर को इजाजत दे दी है अपनी कंट्री में जाने के लिए और जो भी हेल्प चाहिए रहेगा बीसीसीआई पूरी तरह से मदद करने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जितने भी हैं वो 15 तारीख के बाद जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर 15 तारीख तक लॉकडाउन लगा और सारी फ्लाइट बंद है, जिसकी वजह से डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल समेत ये सब खिलाड़ी 15 तारीख के बाद जाएंगे अपनी कंट्री में। आईपीएल 2021 कोविड के कारण पोस्टपोन हुआ है। अगर ओवरसीज प्लेयर अपने अपने देश चले जाते हैं जिनमें काफी बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं, डेविड वार्नर, डेविड मलन, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ऐसे खिलाड़ी जबरदस्त शामिल है, इसमें जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, तो अगर ये अपने देश लौट जाते और इंडिया में आईपीएल 2021 का आगाज होगा तो बीसीसीआई ये बहुत ही बड़ा फैसला ले सकती है कि अब आईपीएल में सभी इंडियन प्लेयर ही खेलने वाले, जो प्लेइंग 11 रहने वाले इंडियन प्लेयर के साथ ही होगी। क्योंकि अगर ओवरसीज प्लेयर आएंगे उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, फिर कोई देश इजाजत देगा और कोई देश इजाजत नहीं देगा, तो अगर सारे इंडियन ही प्लेयर रहेंगे तो फिर आईपीएल आराम से हो सकता है, ये बीसीसीआई बहुत ही बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई इस पर कुछ विचार नहीं किए, लेकिन आने वाले टाइम में बीसीसीआई ये अनाउंस कर सकती है कि इस बार आईपीएल 2021 का बाकी बचे मैचों को इसके इस तरह करवाया जा सकता है। वैसे दोस्तों आईपीएल के इतिहास में हमेशा से ओवरसीज प्लेयर को बॉल वाला रहा है, चाहे मैथ्यू हेडन को ले लो, स्टीव स्मिथ को ले लो या फिर डेविड वार्नर, भी केरन पोलार्ड, केनियन विलियमसन, ग्लेन मैक्सवेल ऐसे खिलाड़ियों का आईपीएल के इतिहास में बोल पाला रहा है और भी ऐसे माइकल हसी, एलबी मॉर्कल ऐसे खिलाड़ी जो शामिल हैं। तो दोस्तों अगर बाकी के मैचे बीसीसीआई अगर बगैर ओवरसीज प्लेयर के खेलती है तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम को ज्यादा नुकसान होगा? मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान और ये तीन टीमों को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कौन सी टीम को सबसे ज़्यादा नुकसान हो अगर ओवरसीज प्लेयर नहीं रहेंगे, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना।